इस समय हमारे साथ टीवी इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम है, नमिश तनेजा। नमिश हालांकि पिछले एक साल से गायब है और फैंस जो है इस बात की शिकायत कर रहे हैं, पर उम्मीद है कि अब जब भी वापसी करेंगे कुछ धमाकेदार वापसी ही होगी। नमिश, वेलकम टू फिल्म विंडो, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल्सो। थैंक यू। आप क्यों ऐसा जो है ब्रेक लिया हुआ है आपने, कुछ खास वजह? ये कोई ब्रेक नहीं है, मैं सिर्फ अच्छे प्रोजेक्ट के लिए वेट कर रहा था यस और कोविड की वजह से थोड़ा सा इंडस्ट्री में ब्रेक चल रहा है। कुछ प्रोजेक्ट्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी प्लान होते हैं फिर हो जाते हैं। सो इट्स नॉट अ ब्रेक, आई एम जस्ट फाइंडिंग अ गुड प्रोजेक्ट फॉर मी। ओके ओके ओके। तो रमेश, मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर मैं आपका पूरा बॉडी ऑफ वर्क देखूं पिछले 9 सालों में, आपने जो है इंडस्ट्री में बहुत ही, अगर मैं कहूं तो, ऐसा काम किया है कि शोज में आपके किरदारों को हमेशा याद रखा गया है। हालांकि अगर मैं गलत नहीं तो आप डांस के ज्यादा शौकीन हैं, आप डांस क्लास भी लेते थे दिल्ली में, राइट? यस, पहले पहले एक्टिंग से पहले मैं यस यस यस। तो अचानक से एक्टिंग के बारे में कैसे सोचा, या आप यहाँ पर आए थे तो कुछ डांस रियलिटी शो या इस बारे में सोचकर आए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं डांस सिर्फ अपने पैशन के लिए करता था। फिर मेरी जो रियल सिस्टर है वो एक्टिंग के लिए ट्राई कर रही थी। सो मैं एज अ सिर्फ बॉडी गार्ड, हम नॉर्थ के हैं तो एज अ बॉडी गार्ड उनके साथ में आया था। कभी कभी कोई ऐसे डांस क्लास में कभी कोई बोलता था कि आप ट्राई करो ना, आपके पास फेस है, तो मुझे नहीं पता था कि क्या क्या होता है, मतलब फेस एक्टिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं पता था। तो फिर कभी ऑडिशन में गए तो बहुत सारे सिस्टर, उनके फ्रेंड्स और सब जब साथ में जाते थे ऑडिशन पे, तो मैं भी साथ में जाता था सिर्फ एज अ बॉडी गार्ड बन के। वहां पे उन्होंने बोला, एक बारी सबको नॉट फिट बोला और मुझे बोला यू आर फिट, ओ तो मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं होगा, तो मैं भाग गया उस ऑडिशन से। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठ गया कि शायद हो सकता है, हम मुंबई आ ही गए तो चलो ट्राई करते हैं। सो देन वहां से थोड़ा सा दिमाग में आया, फिर मेरा एक मैंने ट्राई किया एक ऑडिशन के लिए। तो वहां पे एक्टिंग तो बहुत बाद में करनी थी, बट पहले प्रोफाइल्स बतानी थी कि यस नेम, एज, हाइट, प्रोफाइल। मैं वो ही नहीं बोल पाया था, तो वहां से मुझे लगा कि अब तो मैं एक्टर बनूंगा, कुछ भी हो जाए। तो ये ऐसे ये जर्नी स्टार्ट वाओ, लेकिन कितना इंटरेस्टिंग है। सोचिए आप कि बॉडीगार्ड से आप एक्टर बन गए। मैं भी नॉर्थ से हूँ तो आई कैन कंप्लीटली रिलेट, दिल्ली से ही हूँ मैं भी, कि आप अपनी ओके बहन के साथ आए होंगे। और फिर बच्चा, अब मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट इस बात में आ रहा है कि बहन बनी एक्ट्रेस। हाँ, उन्होंने बहुत सारा काम किया। ओके अभी वो सिर्फ मूवीज के लिए ही ट्राई कर रही हैं, तो थोड़ा रुक के वो कर रही हैं। शी बिकम फैशन डिजाइनर आल्सो। ओके वाओ हाँ, तो उनका एक शोरूम है प्रॉपर, तो वो एक मूवीज के जोन में ही है। उनको डेली सोप में वो नहीं चाह रही है, वो खाली मूवीज के लिए ही ट्राई कर रही तो फिर आपके तो एक्टर बनने का क्रेडिट बहन को जाना चाहिए पूरा। है। यस, 100%। तो जब आप पहला शो, जैसा कि आपने कहा, मैं इसलिए भी जानना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स जो हैं यहाँ पे, एस्पायरिंग एक्टर्स आते हैं एक्टर बनने के लिए, और जो आपकी जर्नी है उसे बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, उनके साथ भी ऐसा होता ही होगा। लेकिन जो आपने बात बोली कि अब फिर मैंने सोच लिया, अब तो बन के ही दिखाना है, तो ये जो चीज है ना कि अब तो करके ही दिखाना है, मतलब क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। तो ये चीज जो है ये जरूर होनी चाहिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि हार जल्दी नहीं माननी चाहिए, राइट? यस, मेरा मानना ये है कि, और मेरा जो नेचर भी है वो ये है कि जो चीज मुझे नहीं आती है ना, मैं वो करने में ज्यादा बिलीव करता हूँ। वाओ मुझे उस चीज में बहुत मजा आता है कि लाइक, अरे ऐसा कैसे, मतलब एक छोटी सी लाइफ है, हम कैसे 25-26 साल के हो जाते, कैसे 30-35 हो जाते, कैसे 40 हो जाते, पता नहीं चलता, लाइफ इज सो फास्ट। तो मुझे लगता है कि हर रोज लाइफ में कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट होनी चाहिए, तो मैं टारगेट्स बना लेता हूँ। और ये मेन चीज ये है कि अगर आपकी लाइफ में विजन नहीं है ना कोई भी, हाँ अगर आप अपने आप को वीक समझेंगे, तो आप जिंदगी भर आप भी जिएंगे, रहेंगे दुनिया में, बट वो बहुत सैड लाइफ होगी। एटलीस्ट मेरे पास एक एक्साइटमेंट है लाइफ में, मैं टारगेट्स बना लेता हूँ तो मैं उसी के पीछे पड़ा रहता हूँ। तो हार तो कभी नहीं माननी चाहिए, और जब आपका पीरियड खराब चल रहा हो या टाइम खराब चल रहा हो, जो आपको ऐसा लगता है, और उस टाइम में सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए,
तो दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि यू आर जस्ट आई फील, मुझे अभी थोड़े दिन पहले किसी से बात कर रहा था, तब मैं डिमोटिवेटेड था, तो उन्होंने मुझे बोला कि डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, यू आर जस्ट वन कॉल अवे. तो वो लाइन ना मेरे दिमाग में बैठ गई कि वी ऑल आर जस्ट वन कॉल अवे, सो उससे पहले हमें बहुत ही मेहनत करनी है. सो ये मेरी मेरी थिंकिंग है. नमिश, तो पहले साल में आपको ब्रेक मिल गया था या स्ट्रगल रहा कुछ सालों का? रहा ना, 7-8 महीने तो प्रॉपर स्ट्रगल रहा था. फिर ब्रेक भी जो मिला था वो एक छोटी सी एड थी, और उस एड में मुझे जो पैसे मिले थे आई थिंक 15,000 या 25,000, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो वहां से तो मुझे लगा अब तो मैं एक्टर ही बनूंगा. डांस क्लासेस करता था तो पूरा महीना इतनी मेहनत करने के बाद जाके पैसे मिलते थे, और ये करते करते सीधा एक दिन गया, कुछ भी नहीं किया, फोटो खिंचाई, ऐसे देखा वैसे देखा और पैसे आ गए. लाइक ओके चलो, वर्थ भी है यहाँ पे और कुछ सीखने को भी मिल रहा है, क्यों ना करा जाए. व्हिच वन इज योर फेवरेट कैरेक्टर जो अभी तक आपने किया? सी पर्सनली मेरे सारे जो कैरेक्टर्स है वो फेवरेट है. सबकी जर्नी बिल्कुल अलग है बिकॉज मैंने जीरो से हीरो किया. बट जो मुझे करने में सबसे ज्यादा मजा आया वो था समर, मेरा सोनी पे शो था, मैं माइक के चली जाऊंगी. यस, वो शो करने में मुझे बहुत मजा आया क्योंकि तब तक मैं थोड़ा सा सीख भी गया था, और सीख भी गया था, और अंदर से कुछ हिडन टैलेंट्स थे जो मुझे भी नहीं पता था अंदर है, ओके, तो वो भी बाहर आए, तो वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था समर. आपने बोला कि अभी एक साल से कोविड वगैरह है, इतना प्रोजेक्ट्स ऑनेस्टली आ भी नहीं रहे प्रोजेक्ट्स, और अभी शुरू होता सब कुछ नॉर्मल होता उससे पहले फिर से ये ओमिक्रोन हो गया, तो वेब और इन सारी चीजों के बारे में भी सोच रहे हैं क्या? यस, मैं पहले तो कभी टाइम नहीं मिला था, बट अभी आई स्टार्टेड फॉर द आई एम ट्राइंग फॉर द वेब ऑल्सो. जो भी अभी सामने से मुझे अप्रोच कर रहे हैं मैं ट्राई कर रहा हूँ. इवन आई एम ट्राइंग कि मैं भी कैसे कैसे कहाँ पे ऑडिशन होते कहाँ पे क्या होता है वहां पे ट्राई करूँ. तो वेब के लिए आई एम ट्राइंग, और कहीं ना कहीं बातें भी चल रही है, बट मुझे लगता है कि कोविड की वजह से या जो भी इश्यूज है उसकी वजह से चीजें डिले हो रही है. तो आप सभी तरह की प्रोजेक्ट्स के लिए ओपन है, आपने बोला मैं टारगेट सेट करता हूँ, तो जरूर आपका अभी भी कोई टारगेट जरूर होगा जिसपे आप काम कर रहे हैं, तो वो शेयर करना चाहेंगे? मेरे को ना ये चीज आपकी बहुत अच्छी लगी. मैंने अभी बहुत सारे इंटरव्यूज करे, बट किसी ने ना सिर्फ खाली सिर्फ जो लिखा था वो ही पूछ लिया, किसी ने समझा नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. सो फाइनली आपने समझा. यस, सो देर इज वन टारगेट, वो है आई डोंट वॉन्ट टू रिवील, बट देर इज वन टारगेट इन माई हेड. सो मैं वो ही उसी वजह से रुका हूँ, उसी वजह से मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स छोड़े हैं. सो वो जिस दिन टारगेट कंप्लीट होगा मैं डेफिनेटली आपके साथ वो प्रोजेक्ट करूंगा वापस से, मतलब आपके साथ इंटरव्यू करूंगा, और तब सबसे पहले आप ही को बताऊंगा कि मेरा वो टारगेट कंप्लीट. ये मेरे लिए ऑनर होगा. एक्चुअली मुझे भी क्या लगता है कि जो लोग स्ट्रगल करके आगे आते हैं ना, और जो इंडस्ट्री से नहीं होते, मैं उनके स्ट्रगल से बहुत रिलेट कर पाती हूँ कि मतलब बहुत मुश्किल होता है इधर आना, और जो लोग आके मतलब स्ट्रगल किए बिना छोड़ मैदान छोड़ने की सोचते हैं ना, तो मुझे लगता है उन लोगों तक मैसेज जरूर पहुंचना चाहिए कि शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, तो सक्सेस पानी है तो स्ट्रगल नहीं तो है, नहीं. यस, और पता है मुंबई शहर ऐसा है जो आपको सब कुछ देता है. इवन मेरे जितने भी कजन्स हैं, मेरे जो कजन्स हैं या फिर मेरे जो मम्मी के रिलेटेड या मेरे ब्रदर के रिलेटेड जो भी मुझसे एक्टिंग के बारे में पूछता है, तो मैं उन्हें वही बताता हूँ जो मैंने किया. लाइक बिल्कुल ही रॉ से, एक एक स्टूडियो का नंबर पता होना चाहिए, एक एक जगह आपको कास्टिंग डायरेक्टर का नाम पता होना चाहिए. तो मतलब आज भी मेरे को सारे स्टूडियो के नंबर पता है, सारे स्टूडियो के नाम पता है, कौन कहाँ पे बैठता है, कास्टिंग डायरेक्टर, मतलब एक बुक होती है वैसा मेरे को आज जबान पे रटे हुए हैं सारे, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल. यस, आई थिंक आपने भी बहुत स्ट्रगल किया है. नहीं नहीं मैं उस एरिया के आसपास रहती हूँ. नहीं स्ट्रगल तो है ही मुझे, मतलब जब मैंने जर्नलिज्म किया 20 साल पहले, तो जर्नलिज्म मतलब अपने आप में ये लगता था कि जर्नलिज्म कर रहे हो, उसमें स्कोप क्या है,
तो मैं उसी एरिया के आसपास रहती हूँ, यस इसलिए मुझे पता है कि आराम नगर, चार बंगलो, फोर बंगलो, ये सारा जो है माड़ा, ये सब इसमें ही है ऑडिशंस वगैरह के लिए। तो रमेश, मैंने ये देखा आपका यस सर। प्रोफाइल कि आपने काम जो, सॉरी आप कुछ कह रहे थे। नहीं, नो नो इश्यू, मैं ऐसा कुछ खास नहीं कहता, आप बोलिए ना प्लीज। तो मैंने ये देखा आपने जो, आपका जो वर्क प्रोफाइल है, आपने शोज के साथ साथ एक सोशल मैसेज देते गए देते गए। ये मैंने देखा आपकी जर्नी में कि आपने एंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ नहीं किया, आपने अपने किरदारों को पहले लगा कि हाँ ये किरदार कोई मैसेज देगा तो ही मैं करूं वरना नहीं करूं। सी यस फर्स्ट, मेरे लकीली मुझे ऐसे शोज भी मिले, नो डाउट। ओके okay. सब कुछ मेरे हाथ मुझे में नहीं लगा आप था, चूजी थे, बट ऐसा नहीं है आपको फर्स्ट लकीली शो मिले भी। सॉरी सॉरी नहीं, शुरू के दो जो मेरे शोज थे उसके बाद मैं चूजी हुआ था। फर्स्ट शो तो ओके मतलब ऐसा था कि बस मुझे काम चाहिए, यस तो फर्स्ट शो जो मेरा पूनम डिलन मैम के साथ था वो भी लकीली एक मैसेज था, बहुत लकीली, और वो भी अच्छा खासा मैसेज था। फिर सेकेंड शो जो स्वरागिनी था वो, जस्ट वन सेकेंड, या कैन यू सी मी नाउ? यस यस यस। तो फिर सेकेंड शो जो मैंने किया था स्वरागिनी, स्वरागिनी में वो एंटरटेनमेंट फुल ऑफ ड्रामा था, तो तब तक मैं बस कैसे भी काम करना चाह रहा था। स्वरागिनी के बाद मैं एक मैसेज वाले जोन में आ गया था, बिकॉज तब तक मैं हाफ सेटल हो गया था। फिर मैं ढूंढता था प्रोजेक्ट जहां पे एज एन एक्टर मैं क्या कर सकता हूँ, एज एन स्टोरी वाइज लोगों के ऊपर क्या असर हम डाल रहे हैं, तब मैं ध्यान देने लगा। तो मैंने एक 51 शो था जिसमें लंबी लड़की होती है, और तो वो एक मैसेज टाइप आ गया। फिर एक शो था मेरा 51 के बाद मैं मायके चली जाऊंगी, जिसमें बहू और सासू माँ के बीच में क्या प्रॉब्लम्स होती है, वो हो गया। फिर मैंने विधि एक शो किया विद्या, तो विद्या 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 के टाइम पे ऐसा था कि यार यस, तो विद्या के टाइम पे मेरे पास दो ऑप्शन थे शो के, सेम चैनल के दो ऑप्शंस, दो शोज थे। तो एक शो था जो ऑलरेडी मैं मायके चली जाऊंगी ऐसा कर चुका था, उनको वही कैरेक्टर चाहिए था मेरा, बट मेरा पॉइंट था कि मैं एक कर चुका हूं अभी 1 साल, अब मैं नए साल में कुछ नया करूँ। मैंने किया विद्या। ओके विद्या में आई प्लेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो भी एक बहुत ही अच्छा मैसेज था। काफी विद्या के लिए मुझे काफी पढ़े लिखे लोगों ने बहुत कॉन्टेक्ट किया कि बहुत अच्छा शो है, बाकी नॉर्मली ऐसे ही करते, बट एजुकेटेड लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया उसके लिए, कह रहे इट्स अ नाइस शो। देन आई डिड वन शो मेरे हम सफर, उसके अंदर भी एक मैसेज था कि लड़की के पैर में प्रॉब्लम है। तो स्टार्टिंग के दो शोज के बाद मैं बहुत चूजी हो गया। ओके 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 अगर मैं गलत नहीं तो आपको वो जो फेमस डायलॉग था, मेरा बच्चा आगे, वो स्वरांगनी का था अगर मैं गलत नहीं, आई एम नॉट यस श्योर। यस हाँ, ओ मेरा बच्चा, मेरा बच्चा है यस ना। यस ओ मेरा बच्चा, हाँ, ये इससे था ना यस आपका। यस, वो बहुत फेमस हुआ था, राइट? यस, ये बहुत फेमस हुआ था। और इसकी जो हिस्ट्री है वो ये थी कि बेसिकली मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसी ऐसी बात करता था। जब रागिनी को ये डायलॉग बोलना था, तेजस्वी को ये डायलॉग बोलना था मुझे, तो कोई भी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, ना डायरेक्टर ना कोई ना क्रिएटिव ना ये। मैंने बोला कि देखो यार, मैं ना ऐसे ही बात करता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से, ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा। तो कह रहे नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा देखो, जिसको जो खाना खा लो अभी, मैं तो यही बोलूंगा। तो उन दिनों में तेजस्वी मेरे खिलाफ थी, नहीं नहीं अरे ये सब नहीं आ रही, नहीं ये नहीं फलाना निमगाना, नहीं। फिर बाद में एवरीबडी रियलाइज कि नहीं यार ये कुछ अलग किया है, तो बाद में मेरे को अलाउड हो गया, जब भी मेरे को जो एड ऑन करना है मैं कर सकता था, ऐसा हो गया था। तो मतलब एक बार आपने अपना टैलेंट प्रूव कर दिया तो उसके बाद डायरेक्टर भी आपके ट्रायल हो गए, राइट? डायरेक्टर राइटर यस यस यस, तो रिस्क रियल लेने पड़ते हैं आपको। रियल जो रियल लाइफ गर्लफ्रेंड है उससे डांटनी पड़ेगी, मेरा टाइटल और मेरा नाम तो तुम कहीं और दे आए, ब्रेकअप तो नहीं हुआ नहीं, ना? बोला ना उन्होंने तो, बोल नहीं, ब्रेकअप नहीं हुआ, आज भी है वो साथ में, वही है, एक ही रहेंगी। तो उन्होंने बोला कि अरे यार ये तो आप मुझे बोल रहे थे वहां पे, तो मैंने बोला देख रियल जो होता है ना, मुझे रियल करना है, तो मेरे पास इससे ज्यादा रियल और कुछ है नहीं। ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो मैं रियल लाइफ में नॉर्मली बोलता हूँ किसी को, तो वो ही मैं अपने कैरेक्टर्स में डाल देता हूँ, तो वो थोड़े थोड़े कैची हो जाते हैं, लोगों को अच्छे लगने लगते हैं। वो फील भी आती है ना। यस, बहुत इजी हो जाता है। और जो मेरे गुरु भी है एक्टिंग के, उन्होंने मुझे जो चीज सिखाई है वो ये है कि आपने जो रियल लाइफ में देखा है, जो किया है, आप उसी को कॉम्प्रोमाइज करके आप बात करो,
मतलब अगर मैं किसी को बोलता हूँ आई लव यू, तो मैं रियल लाइफ में कैसे बोलता हूँ? तो वो ही ध्यान में रख के मुझे ये डायलॉग बोलना है, तो मेरे को जो चीज सिखाई गई मैं उसी को फॉलो करता हूँ. ओके, इज दिस कॉल्ड अ मेथड एक्टिंग? आई डोंट नो व्हाट दिस कॉल्ड. ही जस्ट टोल्ड मी कि जो जो उन्होंने मुझे सिखाया, ही इज माय गुरु नीरज काबी. यस सर. तो यस, तो उन्होंने मुझे जैसा सिखाया मैंने वही फॉलो किया. और बाकी जब मैंने किसी से नहीं सीखा था मेरे स्टार्टिंग के सुपर हिट शोज में, सो मैं वही करता था जो मैंने अपनी लाइफ में देखा था. और मैं सिर्फ सब कुछ नेचुरली आता था मुझे, फेक तो बहुत दूर की, क्योंकि मैं एक्टिंग से रिलेशन कुछ था ही नहीं. मैंने कभी लाइफ में मूवीज नहीं देखी, कभी एक्टिंग एक्टर का सोचा भी नहीं था कि मैं कभी फ्यूचर में एक्टिंग करूंगा. ये बस हो गया. कितनी अलग चीज है, प्लान कुछ और करके चलते हैं, हो कुछ और जाता है. यस यस, ऐसे ही होता है. बट मुझे लगता है कि आप 16 17 18 साल की उम्र में आप कुछ प्लान करो या ना करो, आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि आप 24 25 साल तक आप सेटल, लाइक एक टैलेंट आपके हाथ में होना चाहिए. यस, वेरी ट्रू. आपने डांस रियलिटी शो के बारे में नहीं सोचा ना मिश, फिर क्योंकि उस पे तो 110% आपको होल्ड होगा. यस, डांस में थोड़ा सा स्लो हो गया हूँ मैं, बिकॉज मुझे लगता है कि एक बारी में एक ही नाव में पैर रखना चाहिए, वो भी दोनों पाव एक ही नाव में रखने चाहिए. तो मैंने थोड़ा सा सब कुछ होल्ड करके सिर्फ एक्टिंग को सीखने में लग गया था. बट जनरली मुझे जब जब अप्रोच भी आए डांस शोज के, तब मेरे डेली शो इतने पीक पे चल रहे थे कि मैं नहीं पकड़ पाया. और अभी जब मैं फ्री हूँ तो अभी कोई अप्रोच नहीं है. कोई नहीं, बहुत ही जल्द आएगा. अभी आई थिंक मैं एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ डांस से रिलेटेड ही फाइनली, क्योंकि मुझे टाइम मिला है. सो मेरे इंस्टाग्राम पे फैंस भी कनेक्ट कर पाएंगे और मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी इसी बहाने. तो मैं रियलिटी शो की बात करूंगी. आपने तेजस्वी का नाम लिया, आपकी को एक्टर रह चुकी है वो, और yes. आपने बोला कि जब आपने अपने मन की करना चाही तो वो आपके खिलाफ हो गई थी. yes. तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता था. अच्छा, मेरे साथ सेट, yes, मेरे साथ सेट पे ऐसा बहुत होता था. स्वरागनी में तो सबसे ज्यादा हुआ, बिकॉज मैं न्यू था, बाकी सब पुराने थे उसमें. तेजस्वी ने भी बहुत शोज किए थे, हेली शाह ने भी बहुत शोज किए हुए थे, 2-3-4 शोज किए थे. मैं ही एक नया लड़का हीरो था, और दो जिसकी दो दो हीरोइन थी. तो मैं बहुत ज्यादा ही सोचता था अपने कैरेक्टर को लेके और फेमस होने के लिए, और बस कैसे भी मुझे अपना बेस्ट देना होता था. सो उस शो में मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ. ऐसा मतलब टॉर्चर शब्द बोल सकते हैं क्या? एक्सप्रेशन वैसे लग रहे हैं. यस यस, हुआ था, बहुत टॉर्चर हुआ था. उसके बाद एक 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 मेरी और तेजस्वी की मेमोरी भी है. एक बार शी कॉल्ड मी, मतलब रात के 10 या 11 बज रहे होंगे शो खत्म होने के बाद. उससे पहले तो हमारे बहुत झगड़े, ये सब ये छोटे छोटे झगड़े होते रहते थे. देन शी कॉल्ड मी, शी लाइक कि यार तूने जो करता था ना आज वही डायलॉग्स फेमस है. और मैं उसको बोलता था ट्रस्ट मी, ट्रस्ट कर. वो उन दिनों ट्रस्ट नहीं करती थी. बाद में शो बंद होने के बाद फिर देन हमारी फ्रेंडशिप और अच्छी हुई. ओके, तो जब शो चल रहा था तब उतनी अच्छी नहीं थी अगर मैं कहूँ. नहीं थी, पर ये जो ये ग्रजेस आते थे ना, ये इन्हीं रीजन से आते थे, क्योंकि मैं दिल्ली से आया लड़का, इनसिक्योर, मुझे कैसे भी कुछ बनना था, और मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डालता था, और बाकी सब दो दो तीन तीन शोज करके बैठे थे. अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि मेरे लिए ये किसी यशराज की मूवी से कम नहीं है प्लेटफॉर्म. सो तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो होते थे ना, सबको लगता था कि यार जो लिखा है वही करो. वो लोग बहुत प्रोफेशनल थे, मैं प्रोफेशनलिज्म तो मुझे पता ही नहीं था क्या होता है. मैं सिर्फ वही करता था जो मेरे दिल को अच्छा लगता था. तो इस बीच में बहुत सारे छोटे 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 मोटे ग्रजेस हुए, सबसे हुए मेरे तो. कोई नहीं, प्रोफेशनल ग्रजेस मुझे लगता है वो होने भी चाहिए, हेल्दी रहते हैं वो, कई बार आपके काम को और इम्प्रूव भी करते हैं, राइट? यस, बट इंटेंशन हमेशा यही थी कि शो आगे बढ़े और स्टोरी अच्छी चले, हिट हो, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वे में ही इंटेंशन थी हमेशा. नमेश, इन दिनों आप तेजस्वी को शो में देख रहे हैं बिग बॉस में? यस, इनिशियली मैंने प्रॉपर फॉलो किया था, और अभी बस मैं बट मैं टच में हूँ, लाइक टच में एज इन क्या चल रहा है, प्रोमोस देखता हूँ फोन में कभी कुछ ना कुछ. सो आई सी जर्नी कि लाइक तेजस्वी की क्या जर्नी चल रही है बिग बॉस में. आपको कैसी लग रही है जितना आप तेजस्वी को जानते हैं?
वैसी ही रियल लग रही है या आप क्या कहना चाहेंगे उस जर्नी पर? वो बिल्कुल ओरिजिनल है इसमें, ओके मतलब एक वो ऑलरेडी एक ब्रांड है तेजस्वी अपने में, उसने बहुत हार्डवर्क किया है, वो ऑलरेडी ब्रांड बन चुकी है अपने आप में। और इस बिग बॉस हाउस में उसने एक भी दिन, एक भी टास्क, एक भी वर्ड फेक नहीं बोला है, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो तेजस्वी के साथ जो मैंने चीजें देखी, मैं शो को फॉलो कर रही हूँ, कि बहुत सारे लोग उसपे समय समय पर ये बोलते रहते हैं कि तू मतलब की दोस्ती करती है, कि आई मतलब निकल गया थिंक या कहीं पर उसे वीआईपी दिखा कोई तो जाके फिर दोस्ती कर ली, फिर हो गई। तो क्या आपको ऐसा लगा क्या तेजस्वी को लेकर? नहीं, देखो देखो नॉर्मल सीधी सी बात है, अगर कोई किसी से बात करता है, माँ बाप भी बच्चों से बात करते हैं, तो उसके पीछे कोई रीजन होता है। वो तो शो है, तो ये इसमें अगर ऐसा हुआ हो तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। अगर उसने किसी से ऐसे बात की हो या मतलब से बात की हो, तो सामने वाले ने भी तो उसको मतलब से रिप्लाई दिया होगा। ये मेरा भी ये कहना है इसमें कि वो तो गेम ही ऐसा है, ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है इस शो में कि किसी ने किसी मतलब से बात की हो। वो तो अगर नहीं करेंगे इस शो का ना, मेरे को तो कॉन्सेप्ट जेन्युइनली समझ नहीं आता है। करे तो करे क्या, करे तो प्रॉब्लम, ना करे तो प्रॉब्लम, भाई क्यों, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, मैं मतलब आप क्या हमेशा चाहते हो, मुझे नहीं समझ में आता है। मैं ना कभी कभार मैं मन मनाता जाऊंगा मजे करूंगा, पर मैं सोचता करूंगा क्या, कुछ करो तो प्रॉब्लम है, नहीं करो तो प्रॉब्लम है, दोस्ती बनाओ तो प्रॉब्लम है, नहीं बनाओ तो प्रॉब्लम है, रो तो सिंपथी कार्ड। अरे भाई कहाँ जाए हम, एक तरफ तो खाई है वीआईपी है एक तरफ नहीं, वो गटर ही है। कुछ भी करो गलती है, कुछ भी करो गलती है, टीआरपी अच्छी आ रही है तो सब सही है। तो मेरे से मुझे कभी कभार समझ नहीं आती ये चीजें सच्ची। तो आप तो जाने से पहले ही डरे हुए लग रहे हैं, अगर कभी ऑफर आया तो। नहीं, पहले मैं बीच में रेडी हो गया था कि हाँ आपकी बार मैं करूंगा, बट फिर मेरे को एक शो आ गया है मेरे हमसफर, बट मैं तो मैंने वो पकड़ लिया, फिर से मैंने एक बारी मन बनाया था, बट फिर से मैंने अपने आप डाउन हो गया मैं वापस, क्योंकि इट्स सो डिफिकल्ट, बंदा पागल हो जाए वहां पे। मैंने तेजस्वी को देखा है वहां पे, मुझे अभी देख रहा हूँ ना उसको, कभी कभी तो मुझे लग रहा है उसका हो गया अभी, पागल हो गया। वो कुछ भी करे तो कोई कहता ये कर रहे हो, कोई कहता वो कर रहे हो, किसी भी बात पे हंसते हैं ये लोग, मतलब आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड आप क्या कहना चाह रहे हैं, पर आपको ये लगता है तेजस्वी को सब टारगेट कर रहे हैं? ऑनेस्टली बताइएगा, जो तेजस्वी क्लेम कर रही है, लगता है आपको? सी, अगर देखा जाए तो तेजस्वी को बहुत से लोग हैं जो टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज कुछ लोग हैं उससे इनसिक्योर, मुझे दिखता है साफ साफ। आई विल नॉट टेक द नेम, मतलब मुझे ट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे ये लोग। नहीं, मुझे नहीं पसंद नेगेटिविटी अपने सोशल मीडिया पे, मुझे जनरली इफेक्ट होता है इन सब चीजों से। है काफी लोग उसको कर रहे हैं, और वो बेसिकली वो विनर मटेरियल है, तो लोग बस जल रहे हैं उससे और कुछ नहीं। ट्रेनिंग आपको करण और तेजस्वी है, का, अट्रैक्टिव है, एंटरटेनिंग आपको है, अट्रैक्टिव यस है। वेरी ट्रू वेरी यस, ट्रू। सो यस, अब और टॉक ऑफ द टाउन है, और स्टाइलिश है, बात करती है तो सुनने का मन करता है, कुछ भी कहती है तो अच्छी लगती है, सो इसलिए बहुत सारे लोग ना इनसिक्योर है उससे। आपको करण तेजस्वी का कैसा लग रहा है? इनिशियली मुझे बहुत अच्छा और लग रहा था कि यार चलो अच्छा है, पर अभी मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि आई डोंट सी द फ्यूचर, मतलब हो सकता है आई विश हो अगर अच्छा, मैं सिर्फ अपने बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से दोनों की बातें मैच नहीं होती ना, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। आपको कहाँ किसके तरफ से एफर्ट में कमी लगती है, करण की तरफ से या तेजस्वी की तरफ से? मुझे करण की तरफ से लगती है एफर्ट में कमी, क्योंकि तेजस्वी की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, और तेजस्वी की एक्सपेक्टेशन है एज अ, जैसे क्या वो बच्चे टीनेजर जो गर्लफ्रेंड्स लड़कियां होती हैं ना, टीनेज उनकी कैसे एक्सपेक्टेशन, लड़कियां तो हमेशा टीनेज ही रहती हैं, बस एज में बड़ी होती है, दिमाग उनका हमेशा बच्चों जैसे ही रहता है, एक्सपेक्टेशन
मेरी मॉम है, शी इज 50 बट शी स्टिल बिहेव लाइक 19-20 साल की लड़की, वैसी बातें करती, वैसी नाराज होती है। तो एक लड़की एक डॉल होती है और उसकी एक्सपेक्टेशंस होती है। तो मुझे लगता है कि एक डॉल को, लड़की को समझाने का ना एक तरीका होता है, अगर आप उसके साथ अग्री नहीं भी करते हो ना तो। इस केस में मुझे जो बीच में एलिमिनेट हो गया, ईशान 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 हाँ, सो मुझे इस केस में वो ज्यादा सही लगा। लाइक मतलब ये दिखाया हमने बचपन से, हीर रांझा लैला मजनू ये सब सुना है, और लव स्टोरीज में भी यही चल रहा था पहले। जो इनसे पहले जो इतने फेमस थे, सिड और शहनाज, वो दोनों ही दूसरे पे जान छिड़कते थे। शहनाज जान छिड़कती थी, सिड भी जान छिड़कता था। तो दैट्स मिसिंग इन दोनों में, यू नो। ओके, हाँ, दैट्स व्हाट आई फील। लोग बाहर कई बार सिडनाज से कंपैरिजन भी कर रहे हैं तेज रन का, हालांकि मुझे कहीं पे भी इन दोनों के बीच में कंपैरिजन लग नहीं रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी उसी बात की तरफ जो बात की। नहीं, कंपेयर तो नहीं कर सकते, ये एक अलग है, वो एक अलग ही लेवल था जो हमेशा रहेगा हम लोगों के साथ में। और यहाँ पे थोड़े से मुझे, वहां पे इतने इनसिक्योर नहीं थे वो दोनों कहीं पे भी, उनकी लाइफ में प्यार से बढ़कर कुछ था नहीं। मुझे यहाँ पे लगता है कि प्यार, करियर, इनसिक्योरिटीज, ये सब बीच में है, बहुत सारी चीजें हैं बीच में। तो अगर प्यार है तो फिर वो नहीं होना चाहिए ये सब बीच में। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। शमिता और करण, बतौर ऑडियंस मैं पूछूंगी बस, कि आपको शमिता करण का कोई एंगल नजर आया अभी तक? नहीं, अगर इनका कोई एंगल होता भी ना, अगर जो अभी नया एक प्रोमो चल रहा है जिसमें राखी सावंत कह रहे हैं कि तेजा बीच में क्या कर रही है, तो ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट होता। और आई थिंक ये लोग ऐसा कह भी रहे बिकॉज दोनों काफी अपनी पारी खेल चुके हैं इंडस्ट्री में, और इस हिसाब से वो, उनको लग रहा है कि नहीं, ये दोनों सेम लेवल के हैं तो इनको साथ होना चाहिए, बस इतना ही है। मुझे नहीं लगता कि दोनों एक दूसरे के साथ मैनेज कर पाते। या तो जो तेजस्वी ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, आपको सही लगा वो? अभी हाँ, मुझे सी वो फन वे में भी ले सकती थी, बट उसके लिए ये सब बहुत एक सीरियस मैटर है। और अगर यही चीज तेजस्वी और किसी और कंटेस्टेंट का नाम जोड़ा जाता तो करण तब क्या रिएक्ट करता? करण बोलता ना, यार तू मेरा नाम लेना यार। तो उसने बस यही किया। तो यस, मुझे वो सही लगी, बट उसकी लैंग्वेज मुझे सही नहीं लगी। सलमान खान सर थे सामने और उसको ये बुलशिट और ये सब यूज नहीं करना चाहिए था वर्ड। आई डोंट फील इट्स राइट वे, और वैसे नॉर्मल लाइफ में नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, आजकल एक स्लैंग हो गया, लोग बात करते हैं। बट अगर आप दी सलमान खान सर के सामने खड़े हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए आपको चीजों को। तो उसकी सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से वो फॉल्ट में आ जाएगी, पर इंटेंशन गलत नहीं थी। सिंपथी कार्ड खेलती हुई आपको नजर आती है तेजस्वी, जो उसको इस बार वीकेंड का वार में सलमान खान ने डांट लगाई? नहीं, सिंपथी तो उसने नहीं करी है कहीं पे भी। उसको जेन्युइनली हर्ट हुआ होगा किसी बात से, जेन्युइनली लगी होगी तभी उसने ऐसा किया, क्योंकि मैंने प्रोमोस देखे थे, उसमें मुझे कहीं पे भी वो फेक तो नहीं लगी। और अभी तक उसने सिंपथी नहीं की है तो वो अभी क्यों करेगी, सिंपथी कार्ड क्यों खेलेगी? सो ये थोड़ा सा रॉन्ग गया तेजस्वी के ऊपर। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा इस शो में कौन है? खतरा तेजस्वी के लिए इस शो में कोई भी नहीं। नो, इस शो में उसके लिए कोई खतरा है ही नहीं। आप उसको नहीं, अगर मैं उसका लेवल देखता हूँ तो अगर मैं उसका लेवल देखता हूँ तेजस्वी का, तो उसका कंपेयर तो हम किसी से नहीं कर सकते हैं। वो अलग ही लेवल उसने गेम खेली, अलग ही लेवल आई है वो। और मैं उसको विनर की ट्रॉफी देखता हूँ उसके हाथ में, अगर सब ट्रूली होगा तो, बाकी आई डोंट नो। ओके, आखिर में नमिश, आपको इसके अलावा, तेजस्वी के अलावा कोई और पसंद थे जिनको आप देखना पसंद कर रहे थे शो में या पसंद कर रहे हैं?
तेजस्वी के अलावा मैं गेम में मुझे गेम अच्छा जो लगा, मुझे ऑब्वियसली शमिता का गेम अच्छा लगा, निशांत का गेम अच्छा लगा, और ये दो मुझे दोनों अच्छे लगे, करण प्रतीक और इनके अलावा मुझे खास कोई समझ में आया है गेम वाइज। करण इनिशियली बहुत अच्छा खेल रहा था, बहुत अच्छी गेम थी उसकी, जब वो शुरू में आया था बहुत एंटरटेन कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि मास्टरमाइंड आ गया है 2.2। तो और प्रतीक का मुझे इनिशियली जो उसने शुरू में जो अपने आप को दिखाने के लिए जो भी उसने जो कुछ भी किया, मैं उसी से बाहर नहीं निकला अभी तक, मैं आज भी उसी ओके जोन में ही हूँ। सो प्रतीक मुझे नहीं समझ आई उसकी गेम मुझे। ओके ओके तो चलिए आप तेजस्वी को बतौर क्लियर कट विनर देखते हैं। थैंक्स रमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो सॉरी आपकी हाँ आप मुझे लगा कि बीच में नेटवर्क चला गया। मैं कह रही हूं कि फिर आप तेजस्वी को क्लियर कट विनर देखते हैं, राइट? यस पीपी यस 100% मेरे लिए तेजस्वी ऑलरेडी विनर है। ओके ओके थैंक्स हमारे साथ जुड़ने के लिए नमेश, और आई होप जो भी आपका इस साल का टारगेट है आप बहुत जल्द अचीव करें और हम फिर से जुड़े आपके साथ इंटरव्यू के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने मुझसे थैंक्स कनेक्ट किया, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू।